वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो आज की ये वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ओमेगा शिप बेसिकली एक ओमेगा कॉरबरेट शिप बनाने वाले हैं इफ़ यू डोंट नो वॉट इज अ कॉरबेट शिप तो मैं उसको बताऊं कि इट्स अ काइंड ऑफ बैटल शिप ओनली एक बैटल शिप टाइप थीम होती है कॉर्बेट शिप्स को कहते हैं तो वैसे टाइप मेरे को शिप बनाना रहेगा एंड उसके लिए मेरे को ओमेगा रिसोर्सेज गैदर करने हैं गाइस तो रिसोर्सेज गैदरिंग करने से पहले मेरे को उसमें थोड़ा सा मैं चेकआउट किया था वॉज़ की वी नीड परफेक्ट ब्लॉक्स एंड जैसे कि आप सर्वर में देख सकते हैं तो सर्वर फ्लैश अवेलेबल है तो मैं फ्लैश से बात करके देखता हूँ कि फ्लैश कैन वी गेट कैन वी गेट सम पर पुरपुर कहता जैसे ये पुरपुर ब्लॉक्स आई नीड टू शल्कर्स देखते हैं अगर फ्लैश मेरे को ये अवेलेबल करता है तो काफ़ी ही इजी हो जाएगा नहीं तो मेरे को स्टार्टिंग परफर ब्लॉक से सॉरी सॉरी पुरपुर ब्लॉक से मेरे को ग्राइड करना शुरू करना रहेगा एंड देन आई विल बी हेडिंग ओवर टू गेट अदर ब्लॉक्स जो कि हमारे होने वाले हैं मेगा ग्राइंड ऑफ टेरा कोटा बिकॉज ये जो मैं कॉर्बेट शिप बनाने वाला हूँ यहाँ पे जो बनेगा मेरा तो वो मेरे को बनाने के लिए बहुत सारा टेरा कोटा लगेगा मैंने यहाँ पे एक्चुअली में थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स से मार्क किया था बट वो शिप इससे भी बहुत ही बड़ी होने वाली है काइ मतलब लिटरली इतनी बड़ी होगी ना कि लाइट हाउस उसके लिए काफ़ी छोटा लगने लग जाएगा बट इन दी एंड नो इट्स सॉलिट क्राफ्ट वी गो बिग एंड एवरीथिंग, सो देखते हैं यार फ्लैश मेरे को अभी तक प्लान नहीं दिया उसको ग्रुप में बना के बुला के देखते हैं फी कम्स एंड हेलो

नहीं वो सारा पुन्नो को दे दिया एंड बिल्ड के लिए सारा अच्छा ओके मतलब एक भी कुछ भी नहीं पड़ा था एक शलकर था मेरे पे मैंने पूरा उनको दे रखा अभी भी मेरे पे नहीं है वो शलकर उन पे ही है ओके चलो ठीक है तो मैं वो ग्राइंड कर लेता तो, हूं चलेगा ना हां चलेगा मेरे को चलो ठीक है बस ये पूछ रहा था कूल ओके तो चलते हैं गाइस जैसे कि फ्लैश ने बोला है मेरे को कि आई कैन ग्राइंड दोस पुरपुर ब्लॉक्स तो जल्दी से चलते हैं एंड में एंड थोड़ा सा निकालते हैं पुरपुर ब्लॉक्स मिलता हूँ आप लोगों को एंड में वेल गाइस तो मैं जल जा ही रहा था अपने एंड की तरफ बट आई थॉट ऑफ कि मतलब मे बी बहुत लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है सो so, ये एक मास्टर क्लास वर्क बनाया था बाई पुनीश हिमसेल्फ अकेले तो उसने पूरा इसको सिंगल हैंडली टास्क लिया था विथ हेल्प ऑफ अदर सॉलिट्रिय एंड ही बिल्ट दिस अमेजिंग अमेजिंग मतलब भाई जितनी तारीफ करूँ इसके लिए कम है कि भाई इतना तगड़ा उसने जो अपना एंड पोर्टल का रूम बनाया जिसमें आप देख सकते हैं बीच में उसने सॉलिट क्राफ्ट का फुल लोगो लिखा हुआ really है एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग पूरा इसको एंड रिवैम्प का इस बार के सर्वर का उसने अपने ऊपर लिया था कि आई विल बी रिवैम्पिंग इट एंड देखो पोर्टल ब्लॉक्स को एकदम इफ़ यू डेंट नो कि तो इसको आप मशरूम ब्लॉक से ग्लिच करके पोर्टल के ये ब्लॉक्स मेन गायब कर सकते हैं वहाँ पर उसने ब्लैक कॉन्क्रीट करके इसको बहुत ही तगड़ा एक थीम दे दिया है तो चलता हूँ मैं यहाँ से अब एंड की तरफ एक एंड सिटी मिलती है डायरेक्ट आपको नेक्स्ट एंड सिटी में से मैं परफर ब्लॉक्स निकालते हुए दिखाता हूँ वेल ओके गाइज तो मैंने फ्लैश से अभी बात करी थी कि हाउ केन आई गेट दीज थिंग्स तो उसने मेरे को बोला कि एंड सिटी तो लूट करने का फ़ायदा नहीं है दस गो टू रैंडम सिटीज़ एंड ग्रैब दीज थिंग बिकॉज इन चीज़ों से मेरे को सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेज है दीज कोरस फ्रूट्स जो ऊपर से गिरते हैं इनको स्मेल्ट करेंगे तो पॉपड कोरस फ्रूट बनता है एंड उससे परफेक्ट ब्लॉक सबसे ज़्यादा मैं ग्राइंड कर सकता हूँ सो एंड इट टू ग्रैब मे बी टू शल्करस ऑफ दिस तो जल्दी से मैं एक आप टाइम लैप फॉर्म में इसको देखिए मैं दो शल्कर ये ग्रैप करता हूँ एंड देन इनको स्मेल्ट करके मैं इनसे बनाऊँगा परफेक्ट ब्लॉक्स Hey guys, so finally last you saw that मैं कर रहा था अपना grind of these things जो मैं अपने परफर slabs and परफर blocks की grind कर रहा था and वो eventually was a real success मैंने इनको smelt करा था and then मैंने smelt करके परफर blocks बनाने के बाद I made all these things दोनों के मेरे को एक एक shell करके need थी and if you see मैंने बहुत सारे और अलग अलग कर रखे हैं grind is जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने प्लेंटी ऑफ शल्कर्स ऑफ ग्रेट एराकोटा मेरे को एक्चुअली में मतलब ग्रे टेराकोटा चाहिए था काफ़ी सारा एंड मेरे को लाइट ग्रे टेराकोटा चाहिए था एंड थोड़ा सा मेरे को रेड टेराकोटा चाहिए था तो मतलब ये मेनली मैं ये तीन कलर्स मेन यूज़ करूँगा अपने शिप बिल्ड करने के लिए बट इनके अलावा भी थोड़े बहुत मेरे को और ब्लॉक्स चाहिए थे वॉल्स मैं अगर आप लोग को ये सारे दिखाऊँ मैंने ये सारे रिसोर्सेज भी ग्रैंड किए कि मतलब ये अलग अलग डिफरेंट थिंग्स थे कि आपको जैसे जैसे मैं बिल्ड करता रहूँगा वैसे वैसे करके आपको दिखेगा कि मेरे को क्या क्या अलग अलग बिल्ड्स की नीड थी सो ऑल द रिसोर्स हैव बिन फाइनली ग्राइंडेड ये सारी रिसोर्सेज मैंने एक्चुअली एक लाइव स्ट्रीम पर रिकॉर्ड करी थी लाइव स्ट्रीम करा था उसमें मैंने करा था ये सारा काम तो चलते हैं अब यहाँ पे इस एरिया को पूरा जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे इतना बढ़िया अपना वो बन रखा है लाइट हाउस तो इस एरिया को भी एक लाइव देते हैं एंड चलते हैं एक इसको शिप बनाने के मोड में हाँ वेल ओके गाइस तो एक थोड़ा सा एफ हो गया है कि मैं एक्चुअली ये शिप बना चुका हूँ एज यू कैन सी एंड आई ट्राइड टू रिकॉर्ड अ टाइम लैप्स ऑफ दिस बट एक्चुअली आई फेल टू रिकॉर्ड इट बिकॉज थोड़ा सा मेरा रिप्ले मॉड मेरे को धोखा दे गया एंड मेरे से ये नहीं हो पाया बट इवेंचुअली ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई हैव सक्सेसफुली बिल्ड शेप सो इसका एक बढ़िया सा आपको टाइमलेस मैं दिखाता हूँ एंड देन इसकी मैं स्ट्रगल्स के बारे में बताता हूँ इस तो मैं बिल्ड का तो नहीं बट ऐसे बिल्ड होने के बाद का ज़रूर मैं दिखा पाया आपको टाइम लैप्स आई होप आप लोग को टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा एंड अगर आप लोग ध्यान दोगे ना कि मैं वाई लेवल इतना ऊपर हो चुका है कि अब यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है तो स्नो फॉल होने लगता है एंड स्नो लेयर जमा जाता है मैंने थोड़े से यहाँ पे हटाए थे दैट ताकि थोड़ा सा टाइम लैप्स अच्छा आएगा करके एंड बाकी अगर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम फुल डिटेलिंग में बताने की कोशिश करूँ तो शिप के एकदम स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में ये एक बैटल शिप है बैटल शिप कॉरबेट शिप थीम मैंने ये एक शिप बनाई है इट इज़ नॉट मर्चेंट शिप की वैसी टाइप की नहीं है इसमें थोड़ा सा आपको मैं सारी डिटेलिंग्स बताऊंगा कि कैसे होता है तो ये शिप का स्टार्टिंग एरिया है करके यहाँ से फिर धीरे से करके आप आगे जाएंगे तो देन यू कैन सी टैंकर इन दिस शिप की इन टैंकर है इस शिप में फुल यहाँ पे कि सामने एनिमीज आने के लिए उससे लड़ने के लिए फुल है एंड देन थोड़ा सा और पीछे जाएं आपको मैं तो दिखाऊंगा दैट देर आर अ फ्यू मतलब दोनों साइड में ही ऑब्जर्वर क्लॉक से मैंने थोड़ा रेड स्टोन कंपोनेंट से कि मशीनरी वर्क हो रही है बैटल शिप्स में हाओ मशीनरीज वर्क करके वो दिखाने की कोशिश करी गई है फिर उसके बाद अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ देन यहाँ पर ये एक मैंने वो बनाया है मोटार सिस्टम टाइप्स की मतलब कि कोस शिप्स में ऐसे मोटार टाइप बैटल शिप्स में होती है जो अटैक करने के लिए जाती है देन ये एक आपको अगर दिखाऊँ तो ये एक सिग्नलिंग टाइप मतलब शिप में सिग्नल्स एंड ऑल काफ़ी रहते हैं अलग अलग माइनर डिटेलिंग और फिर मैं धीरे से अगर मैं ऊपर उड़ के आप लोग को दिखाऊँ देन यहाँ पे एक और आपको एक डबल बैरल वाली एक और आपको मिसाइल लॉन्चर मिलेगी जिससे मतलब कॉस देर आर मल्टीपल की यहाँ पे देखें तो आपको साइड्स में दो आपको मिलेंगे देन यहाँ पे बीच में दो मैंने छोटे से और बनाया है कि मतलब एकदम मिसाइल लॉन्चर्स फुल की एकदम की राइट लेफ्ट सामने आगे पीछे कहीं से भी आए दे आर रेडी टू टेक अप फाइट मैं अगर एकदम ही ऊपर जाऊँ दिस द एरिया जो मेरे को अपने पूरे बिल्ड का वन ऑफ द वेरी फेवरेट्स लगा था कि ये ंटीना एंटीना सॉरी अगर मैंने कलर प्रोनाउंस किया था एंटीना बनाने के लिए एंड इसका अगर मैं आप लोगों को कैम्प से दिखाऊँ तो ये एक पूरा मतलब एक डॉक टाइप एरिया है मेन शिप का जहाँ पर मतलब कि अंदर से सारे वर्किंग्स एंड ऑल होती है इसके अंदर एंड इंटीरियर अभी मेरे को इसको करना है डूइंग दिस इंटीरियर इन कमिंग फ्यूचर स्ट्रीम बट अभी के लिए आपको एक्सटीरियर वाइज ही पूरा दिखाऊं तो ये पूरा मेन इसका हार्ट ऑफ द शिप अगर आप जैसे बोलते हैं तो ये एरिया टाइप इसका है देन अगर मैं धीरे से नीचे जाऊं बिना मरे अगर मैं जा तो यप एंड uh, इस तरफ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो यहाँ पे अलग मैंने और थोड़े से डिटेलिंग्स करी है माइनर डिटेलिंग्स की ये अलग और मोटार्स हैं कि इधर से थोड़ी ये बिग मोटार्स करके टाइप की पीछे की तरफ से हमला होगा करके तो पीछे की तरफ से ये मोटार्स अटैक करने के लिए हैं एंड देन मूविंग ऑन टू टू अनदर शॉर्ट मिसाइल लॉन्चर्स और पीछे चले तो फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी मेरा बहुत ही बढ़िया मैंने बनाया है कि एक मल्टीपल मोटार सिस्टम यहाँ पे वापस से वही एक रेड स्टोन मैक से मैंने करने की कोशिश करी थी कि एक मैकेजम दिखाने के लिए एंड ये एरिया अगर आप देखें ध्यान से तो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ रन एंड ये अंदर एक पार्किंग गराज टाइप की है बिकॉज इन फ्यूचर मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है एज यू गैस कैन सी देर इज़ अ हैली पैड हेयर मे बी इन फ्यूचर आई एल बी मेकिंग अप हेली चॉपर या फिर समथिंग एक फाइटर चॉपर कुछ बनाने की कोशिश रहेगी तो इस तरफ भी आप देखें तो इस तरफ भी हमारे पास दो और मिसाइल लॉन्चर्स हैं मिनी एंड पीछे पूरा एकदम जैसे एयरशिप्स में होता है सॉरी बैटल शिप्स में होता है कि उधर चॉपिंग चॉपर एरिया या फिर बैटल वो फ्लाइट तो इसमें लैंड नहीं करवा पा मतलब उतनी जगह वैसी टाइप की नहीं है करके बट ऐसी कोई इमरजेंसी लैंडिंग एंड ऑल टाइप हो पाए करके तो बहुत मेहनत लगी यार आई डोंट नो हाउ मैनी आवर्स आई हैव पुट इन दिस बट बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने ये फाइनली बिल्टअ अप कर दिया है आई होप आप लोगों को ये बिल्ट वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी ऐसे ही और अमेजिंग और बिल्ट्स अपकमिंग आते रहेंगे आप बताना कमेंट सेक्शन में करके कि हाउ इज़ द बिल्ट इज़ का कैसा लगा यहाँ पे मेरे को एक फ्यूचर में चॉपर बनाऊंगा वो भी बिल्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड शिप के इंटीरियर अभी कुछ नहीं हुए हैं अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करके तो इंटीरियर पूरा एकदम ऐसे ही है लाइटिंग कर रखी है मैंने बस और कुछ नहीं हो रखा है तो इंटीरियर पर मेरे को वर्क करना रहेगा इसके विच आई एल बी डूइंग इन अपकमिंग लाइव स्ट्रीम तो अभी के लिए ये वीडियो को मैं यही करता हूँ दिस वॉज बिल्ट वीडियो जहाँ पर मैं ये शिप बनाता हूँ एंड आई होप यू लाइक माई ओमेगा शिप जिसको मतलब दिस प्लेस लुक्स टाइन इन फ्रंट ऑफ दिस शिप जस्ट मतलब एकदम ही ऐसा लग रहा है तो आई होप अब लोग को ये शिप की वीडियो अच्छी लगी होगी लगी अच्छी लगी होगी तो डो नॉट फट टू ड्रॉप अ लाइक इन दिस वीडियो चैनल बनाया तो डो नॉट फॉगेट टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी बिकॉज ऐसी मैं और अमेजिंग बिल्ड्स करते रहता एंड क्राफ्ट की लाइव स्ट्रीम्स भी होते रहती है तो अभी के लिए चलते हैं थैंक यू सो मच अच फॉर ज्वाइनिंग बाय टेक केयर पीसा आउट Again. <laughs>